मंडी शहर के खलियार में एक महिला कर्मचारी का पर्स रहस्यमय तरीके से गायब होने और उनमें रखे एटीएम कार्ड से किसी शातिर द्वारा 25,000 रुपए निकालने का मामला सामने आया है। इस बारे में महिला ने पुलिस अधीक्षक मंडी शालिनी अग्निहोत्री के पास एक शिकायत दी, जिसमें महिला का पर्स घर से गायब होने और पर्स में रखे एटीएम से 25,000 रुपए निकालने के संदर्भ में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। महिला का कहना है कि वह मंडी कृषि विभाग खलियार में कार्यरत है और वह सरकारी आवास में रहती है। उनका एक छोटा बेटा है जो घर पर अकेला रहता है। जानकारी के अनुसार पिछले कल दिन के समय बच्चा दोस्तों के साथ खेलने के लिए कहीं चला गया। इसी बीच किसी ने उनका पर्स चुरा लिया, जिसमें उनके सारे डॉक्यूमेंट थे और एटीएम कार्ड में उन्होंने अपना पिन नंबर भी लिखकर रखा हुआ था। जब वह शाम को ऑफिस से घर वापस पहुंची तो उनके मोबाइल नंबर पर एटीएम से पैसे निकलने के मैसेज आने लगे। इस संदर्भ में उन्होंने बैंक में शिकायत दर्ज करवाकर एटीएम बंद करवा दिया और सिटी चौक की शहर मंडी पुलिस को भी इस बारे में शिकायत दी है। वहीं पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री ने कहा कि मामला उनके ध्यान में आया है और जल्द ही इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर उन्हें अपने एटीएम पिन याद रखने में दिक्कत आती है तो वे अपना पिन नंबर रीसेट कर सकते हैं ताकि वे उन्हें आसानी से याद रख सकें। साथ ही उन्होंने जनता से अपनी बैंक संबंधित किसी भी प्रकार की डिटेल शेयर न करने की अपील की है ताकि बढ़ते फ्रॉड और साइबर क्राइम को कम किया जा सके। सभी एटीएम थे, उसमें तीन एसबीआई का एटीएम था, पीएनबी का और यूनियन बैंक का था, यूबीआई का। तो वो सारे के सारे मिसिंग है, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। वोटर कार्ड, आधार कार्ड, एवरीथिंग इज मिसिंग। हम लोग कल रात में ही हम लोग थाना में गए थे तो वहाँ पे हमने एफआईआर लॉन्च किया था सिटी पुलिस चौकी में, तो उन्होंने भी एक्शन लिया है। वो लोग भी सुबह हमें बैंक में मिले थे, तो अभी देखते हैं क्या होता है। एसपी मैडम से भी हम लोग मिले हैं, एसपी मैम ने भी उनको डायरेक्शंस दी हैं कि वो हमारी मदद करेंगे, बैंक से फुटेज वगैरह निकालेंगे कि जिस किसी भी व्यक्ति ने वो निकाला होगा वो पकड़ में आएगा। उनका यही कहना सर, ये बैंक एटीएम जो है वो एसबीआई, वैसे जो मेरा अकाउंट है वो पीएनबी का है और इसका ब्रांच सरकाघाट में है, लेकिन जो विड्रॉल हुए हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है विड्रॉल एसबीआई एटीएम मंडी से हुए हैं। 1, 2, 3, 4 विड्रॉल एसबीआई मंडी से हुए हैं। आज एक एग्रीकल्चर ऑफिस में कार्यरत महिला जो है उनकी शिकायत मुझे मिली, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके एटीएम से दो जगह मंडी में पैसे विड्रॉ हुए हैं और ऐसा उनकी बात से लग रहा है कि कोई उनके जानने वाला व्यक्ति या फिर जो उनके आसपास ऑफिस में कहीं उनका कांटेक्ट हुआ, क्योंकि उनका एटीएम जो है विड्रॉ हुआ और एटीएम पिन जो है वो उन्होंने अपनी मेमोरी के लिए एटीएम के कार्ड पे ही लिख रखा था। तो इस पे हम अभी हमारे इंचार्ज साइबर सेल जो हैं इंस्पेक्टर संजीव, इसमें काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि एटीएम के फुटेज को अगर अवेलेबल हो तो हम बैंक से पता करके उसको चेक करके इसको आइडेंटिफाई करेंगे एंड मुझे लगता है कि ये केस वर्केबल है और जल्दी इसको हम सेटल कर लेंगे।